भिंड के नए कलेक्टर सतीश कुमार एस जनता के साथ सामंजस्य बैठाने में असफल नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि बीते 5 दिनों में कलेक्टर की अभद्रता के 2 मामले सामने आ गए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल 15 दिन पहले ही नवागत कलेक्टर सतीश कुमार एस का भोपाल से तबादला भिंड के लिए हुआ था, जहां शुरुआत में ही निरीक्षण के दौरान कलेक्टर उचित मूल्य की दुकानों पर पहुंचे थे। इस दौरान सेल्समैन के साथ अभद्रता का मामला सामने आया था। वहीं इसके बाद अब एक बार फिर वकीलों ने कलेक्टर की अभद्रता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां वकीलों ने 2 घंटे तक कलेक्टर कार्यालय के बाहर बैठकर धरना दिया, जहां वकीलों ने वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया। हमारे वरिष्ठ अभिभाषक साथी हैं उमाकांत मिश्रा जी, जी इनका कोई मामला लगा था, आज फाइल लगी थी कलेक्टर कार्यालय, तो वकील साहब आए और उसने आगामी डेट नोट करके चले गए बाबू की जानकारी में, बाबू की सहमति से। और बाद में कलेक्टर साहब द्वारा बताया गया, उन्होंने तारीख कैसे नोट कर ली, कैसे हमारे बिना फाइल देख ली, साइन कैसे कर दी, वकील साहब लेके आओ, पकड़ के लाओ, खींच के लाओ, इस तरह की भाषा यूज़ की गई। तो इसका हम सब लोग विरोध करते हैं। फाइल में आप कुछ भी करें, कैसा भी करें, कुछ भी डिसाइड करें, कितनी भी तारीख लगाएं, लेकिन व्यवहार हमारे साथ अच्छा रहना चाहिए। यदि हमारे साथ कोई अभद्रता होती है या कोई गलत व्यवहार होता है, उसका हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हर स्तर से विरोध करेंगे। गाली गलौज का मामला तो नहीं आया है, लेकिन जो शब्द यूज किए गए वो हम लोगों के प्रति सम्मानजनक नहीं है। बातचीत हो गई, लेकिन कोई संतोषजनक बातचीत नहीं हुई है। हमारे अधिवक्ता साथी द्वारा बताया गया कि इस तरह की अभद्र भाषा प्रयोग की गई है। ताल पे तो अभी नहीं गए जी, जैसे कलेक्टर साहब ने जो मीटिंग ली हुई थी, संबंध में मीटिंग कर्मचारी आए हुए थे, और सबसे बड़ा पहला हमारा इशू जो ही चल रहा है वो आवंटन वाला, तो आवंटन वाला अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ और हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं अधिकारी कर्मचारी, इसलिए हमारा यही मुद्दा है कि कल हम अपनी सब लोग कर्मचारी अपनी मशीनें एकत्रित करके जमा करेंगे और अपना किसी से भी काम कराएं, इस तरीके से कोई काम नहीं करेंगे। फरियाद नहीं, कलेक्टर साहब ने मीटिंग बुलाई आवंटन जो अपने वितरण के संबंध में जी, कि आप लोग 500 कर्मचारी, बहस कुछ नहीं हुई जी। कलेक्टर साहब से जो अपनी बात वो अपनी अपनी कह रहा है, हमारी बात को सुनने का कोई तैयार नहीं है। हमारी बात आवंटन के लिए पहले हड़ताल की, 1.5 महीने जो 15 दिन हड़ताल चली, उसका उन्होंने कोई निराकरण नहीं किया अभी तक। वहीं जब कलेक्टर से इस पूरे मामले को लेकर मीडिया ने चर्चा करना चाही, तो उन्होंने इस पूरे मामले पर नो इश्यू कहकर इसे टाल दिया। सर ये वकीलों ने सर आपके ऊपर आरोप लगाया, सर आपने अभद्रता की है। सर आपने कुछ दिनों पूर्व सर उसमें सेल्समैनों ने भी आपके ऊपर आरोप लगाया था अभद्रता का, सर ऐसे कोई इशू नहीं। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और धरना देकर अपना विरोध दर्ज करवाया। भिंड से MP News के लिए मनीष ऋषिवर की रिपोर्ट।